हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? अच्छा नहीं हो तो क्लोसिन वोसिन पी लो, क्या नाटक कर रहे हो? अभी तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जिसको नहीं पता, अपने ने एक 1v1 का टूर्नामेंट खेला और ये उसी का वीडियो है जिसको होस्ट म्यूटेशन ईस्पोर्ट और कोडा शॉप ने खेला। अब कसम से बता तो म्यूटेशन ईस्पोर्ट वाले इतने बढ़िया है ना। संडे के दिन था सेमीफाइनल, लेकिन पूरा फैमिली घूमने जा रहा था तो मेरे को भी जाना पड़ा, तो मैं तो फिर उन्होंने भाई पूरा अरेंज किया और मेरा जो सेमीफाइनल था वो सैटरडे के दिन मैंने खेला था। और बनी शंकर के एक बंदा है भाई, उसको भी बहुत बहुत थैंक यू खेलने के लिए सैटरडे के दिन। और वापिस विजन भाई और बनी भाई दोनों ने बहुत हेल्प करी है मेरी प्रैक्टिस के लिए। वेनम भाई, जेन भाई, कारण है तो भाई थैंक यू सो मच। साथ ही में वेगास ने भी गन्स विद दिए थे। तो ये था मेरा 1v1 का पहला टूर्नामेंट। इससे पहले मैंने 1v1 की नॉर्मल मैचेस भी नहीं खेली थी, बट स्टिल भाई बहुत कुछ मेरे को इधर से सीखने को मिला। और मैं ये कसम से बता रहा हूँ बहुत ज्यादा आगे मेरे को काम आएगा। टूर्नामेंट से पहले मैंने और कार्नेज ने कुछ प्रैक्टिस मैच खेली थी और अच्छा हो भाई मैंने खेल ली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि 1v1 के अंदर एक्चुअली में कैसे खेलते। मैं तो ओपन में भाग रहा था, लेकिन कार्नेज बोला टूर्नामेंट के अंदर बस एक जगह होल्ड करनी है, उधर ही रह के किल बटाउन ने जैसा इधर हम लोग खेल ले वैसा उधर कोई नहीं खेलने वाला इतना ओपन में आके। तो फिर उसके बाद मैंने वही प्ले स्टाइल के हिसाब से प्रैक्टिस की। शिपमेंट में तो तुम्हें SMG चलानी है जितना हो सके उतना फाइट से भाई, फेक फॉल बैक दो, एनिमी को धप्पा करो वगैरह वगैरह। तो यही सारी बातें दिमाग में रह के इधर चालू होता है अपना पहला मैच। अब सामने था 20 नाम का बंदा जो बोलता मेरे को हिंदी नहीं आती है और आई थिंक वो भी फिलिपिन ऑडियंस वाला COD का कंटेंट बनाता होगा। पहला कि यहाँ पे उसको जाता क्योंकि इतनी लो हेल्थ हो गई थी मेरी के भाई धक धक के अलावा मेरे को कोई आवाज ही नहीं आई, जिससे वो मेरे को इसीलिए आके पिस्तल से मार के गया। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना पहला किल, उसके बाद अपना दूसरा किल। भाई बंदे के ना हिट मारकर बहुत आ रहे थे, मतलब सही चला रहा था स्नाइपिंग, यहाँ पे भी उसका हिट मारकर आ गया, बट मैंने उसको 1 HP के अंदर भी मार दिया। जो दूसरा किल था वो तो भाई उसका वेट करके ही आ गया। उसके बाद मैंने सोचा इसी को ऊपर पुश कर देते हैं और मैंने जब पुश किया तो उसको इजीली मार दिया। अब मुझे लगा वो उधर ही है और भाई इसको क्या मस्त मारा। अब ये मेरा उधर नीचे वेट कर रहा था तो मैंने भाई सीधा पुश करके मार दिया। अब मैंने उठा ली इसकी स्पैरो, यहाँ पे एक किल तो अपनी गन से आ गया। अब इसके गन्स में की फेरो का ADS मूवमेंट बहुत स्लो, तो मैंने बोला भाई अपनी HP के ही चलाते मस्त। एक और किल ले लिया मैंने, उसके बाद बंदा MAC-10 लेके आ गया, तो फिर मैंने भी अपनी फेनिक निकाल ली और यहाँ पे भाई हारने वाली फाइट को जीत लिया। अब इधर मैंने अपनी HP देखी नहीं, उसके बाद भी उसको इतना सारा डैमेज दे दिया, लेकिन फिर भाई स्कोप बटन अटक गया और मर गया। लेकिन उसके बाद देखो क्या मारा है। तो इसी तरह भाई किल लेते लेते अपना ये वाला जो राउंड है वो जीत लेता हूँ मैं। शुरू होता है राउंड 2। अब ऑफकोर्स यार स्नाइपर ही था तो अच्छे शॉट लेगा ही किला उसमें, लेकिन इसका टैकल बहुत सिंपल है भाई, जितना हो सके उतना स्ट्रेसिंग यानी कि जिगल दो। अब मैंने उसको बताया कि भाई मैं इधर ही हूँ और जैसे ही वो वहां से आया भाई मैंने उसको इधर से निकल के इजिली मार दिया। और जब वो दूसरी बार उधर से रिस्पॉन होकर आया तो ज्यादा कवर नहीं था, जिससे मैंने उसके हेड कनेक्ट कर दिए। तो ऐसा करके भाई अपने कुछ किल बटोल लिए, तो हेड मार के भाई कवर के पीछे भी मैंने उसको मार दिया। एक बार मार के यहाँ पे वापिस से मैंने उसको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने सोच लिया था भाई इसको इधर पिस्तौल से ही मारूंगा और मार भी दिया। अब यहाँ पे जो भाई ने शॉट मारा वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब हवा में ही। और भाई इस वाले शॉट का तो इस बंदे के पास क्या ही कहना था, मस्त मारा भाई। और मेरे को लगा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ गया क्योंकि इस बंदे ने वापस से मस्त मारा। अब ये वाली फाइट थी टाई ब्रेकर, अगर मैं हार जाता तो टाई हो जाती और शायद वो जीत सकता था, बट यहाँ पे मैं जीत गया इस वाली फाइट को। इस बंदे ने मेरी गन उठा ली थी। अब यहाँ पे मैं था लीड के अंदर, उसको चाहिए था 2 पॉइंट, उसने 1 पॉइंट तो ले लिया यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पुश करके। अब यार मेरे को लगा अगर टाई हो गई ना तो यार एक ऑल राउंड खेलना पड़ेगा और इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो मैं इधर आ गया, मैंने शूट किया, मेरे को लगा वो बॉल बैक मार देगा, उसको मैंने मौका दिया। अब यहाँ पे जीतने के बाद अपन क्वालिफाई होते सेमीफाइनल के लिए, जो खेला है बनी सेंग को। मैंने बनी सेंग का पहला मेरे को पता था वो उस वाली गाड़ी के पीछे ही होगा, तो मैंने यहाँ पे जिस तरह उसके ऊपर डायरेक्ट पुश कर दिया जिससे उसको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। और फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस बो भी चलाया और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हग दिया क्योंकि मेरी भाई स्लाइड नहीं, बल्कि वो वहीं पर क्राउच हो गया। उसके बाद वापिस से किल। अब यहाँ पे बनी ने मेरे पर पुश करने की ट्राई की, लेकिन वो मेरे ऊपर पुश कर उससे पहले ही मैंने उसके ऊपर पुश कर दिया जिससे उसको रिएक्ट करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे क्या क्रॉसबो का किल आया भाई, और भाई एक और किल आया। अब यहाँ पे मेरी टांगे कंटेनर पर नड़ गई जिससे भाई मैं राइट को एम कर ही नहीं पाया और उसने उधर से पुश किया सीधा फ्री फायर में आके वो इजिली मर गया। फिर वापस से क्रॉसबो का किल आया जो कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम में नहीं दिखा ठीक से, उसका यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइट हुई, लेकिन यार ये थोड़ा सा चूक गया। अब देखा जाए तो हम दोनों भाई सेम HP के हो चुके थे, मैंने अभी उसको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था जिससे उसको साउंड ही नहीं आया कि मैं इधर से आ चुका हूँ पुश करने। अब यार अपना क्रॉसबो मिस हो गया, लेकिन भाई गन से तो मार ही दिया।
अब यहाँ पे भाई बनी सेक ने बहुत ही बढ़िया टाइप पे स्लाइड किया जिससे भाई ऊपर से निकल गया है तो, और वो पूरा पुश कर चुका था तो फॉल बैक करने का टाइम भी नहीं था अपने पास। जैसे ही मेरी स्पॉन हुआ वैसे ही सीधा मैं ऊपर पुश कर दिया तो मैंने इसको मार दिया, और बिल्कुल 2-3 सेकंड बाकी थे वो सामने था, मैंने एरो चलाया बट लगा नहीं, उसने भी थंब पे चलाया वो भी नहीं लगा। तो अपन यहाँ पे जीत जाते अपनी पहली गेम। अब स्टार्ट होते दूसरी गेम ली क्लेम मैप के अंदर। इधर मेरे को कुछ नहीं पता था भाई, सालों के बाद पहला मैच था इस मैप में। पहली बार तो उसने किधर से मारा मेरे को वही नहीं समझ में आने लगता, पता ही नहीं भाई कितनी सारी जगह किधर किधर से बंदा मार सकता है। लेकिन फाइनल मेरे को स्पॉट हो गया उसको, तो उसको मैंने मार दिया। ये वाला किल बनी सेंग का था लेकिन उसने चोक कर दिया। अब जैसे कि मैंने बोला ये पहला मैच था तो इसके मुझे रिस्पॉन इतना पता नहीं थे, बट यार ये बंदा मेरे को जैसे दिख गया और यहाँ से ऊपर आने का एक ही रास्ता था, तो जैसे वो आया वैसे मैंने उसको मार दिया। फाइनली यहाँ पे बनी सेंग ने ना पहला किल लिया, अब इस बंदे को अच्छे खासा स्पॉन पता था, और यहाँ पे फाइनली एक किल मेरे को आता है। अब इसके पास एक किल की लीड थी तो ये नीचे ही था। अब मुझे पता था यार ऊपर आने नहीं वाला है, तो मैं भाई कूद गया नीचे, लेकिन ये तो भाई पीछे था घूम के ऊपर आ गया, मेरे को मार दिया इजीली। मेरे को लगा भाई अपने को भी किलो निकाल लेनी चाहिए, बट एफएच जो था तो बहुत सही रहता। फिर सोचा भाई मैं टनी चला देता हूँ, क्योंकि इसकी जो मोबिलिटी थी वो क्या थी। अब मैंने इसी की किलो उठा ली जो की बहुत बढ़िया चली। अब मुझे रिस्पॉन नहीं पता था तब तक उसको देखा, तब तक उसने बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया था। मैं टन की मोबिलिटी थी लेकिन भाई उसकी रेंज बहुत ही शॉर्ट थी जिससे मैं उसको लॉन्ग में नहीं मार पाया। यहाँ पे वापिस से थोड़ा चोक हुआ और मुझे लगा ये गेम तो हाथ से गया, लेकिन फाइनली यार एक किल निकाल लिया, टाइम हो जाता खत्म और यहाँ पे जीत जाता है बनी सेंग। अब होता है भाई स्टार्ट राउंड 2। बनी भाई को मिल चुका था बहुत ही बढ़िया स्पॉन। उधर जो हेड ग्लिच है वो भाई उसका तोड़ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तोड़ने की ट्राई करी और मैंने तोड़ दिया, लेकिन उसे बनी ने थोड़ा चोक किया। अब यहाँ पे सबसे पहले कुकर की सिटी हुई खत्म। इधर मैं बैठ गया, मेरे को लगा पुश करेगा बट इसने नहीं किया। अब मैं धीमे धीमे आगे बढ़ा, मुझे लगा यहाँ पे मेरा वेट कर रहा होगा, बट ये तो भाई पीछे की तरफ था। अब इसकी सारी गोलियां मेरे सर के ऊपर से निकल गई। उसके बाद एक और फाइट हुई जो भी मैं ही जीत गया। मैं बैठ गया ये वाली हेड ग्लिच पे इसी की किलो लेके। अब इसने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डैमेज दे दिया था, थंपर गोलियां साथ में मारी लेकिन उसके बाद भी मैंने मार दिया। अब मेरे को लगा वो उधर से आएगा लेकिन भाई यहाँ से आ गया। उसके बाद फटाक से मैंने मैक 10 निकाली और इसको मार दिया। अब यहाँ भाई इतना ओपन में कूद कर थंपर मार के भाग कितना चला था। अब यहाँ पे वापिस से स्नाने की ट्राई करी और इस बार तो बहुत ही इजीली मार दिया। अब यहाँ पे मैंने भाई स्पैम किया क्योंकि 30 सेकंड बाकी थे। अब इधर क्या हो, मेरे को लगा मैं जिधर लेट रहा हूँ ना वो कवर के अंदर वाली जगह, लेकिन वो कवर के अंदर थी नहीं। यहाँ पे बनी भाई को अपना पहला किल मिलता है और उसके बाद वो इधर ही स्वागत करने खड़े थे तो दूसरा किल भी मिल गया। अब यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं था, मैंने सोचा भाई दोनों साथ में मरते, लेकिन वो तो नहीं मरा, मैं मर गया। अब अपन राउंड 2 जीत जाते, ये था बेस्ट ऑफ 5। तो फिर चालू होता अपना फाइनल गेम शिपमेंट। अब मेरे को लगा भाई जिस तरह से बनी सेंग होल्ड कर रहा था ना रिक्लेम के अंदर, अपने से हो सकता है नहीं हो पाएगा, तो कुछ भी करके शिपमेंट वाला गेम निकालना है। अब यहाँ पे अपना हाइपिंग आ रहा था तो मैंने सोचा बैठ के इसको चैट कर लेता हूँ, लेकिन वो तो भाई सामने ही आ गया। कभी कभी क्या होता है हाइपिंग लग जाता है, तो मैंने उसको चैट में बोला अगर उसका भी आ रहा है तो अपन रिस्टार्ट मरवा लेते हैं मैच, क्योंकि मैं ये वाला मैच किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। अब उसने को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज दे दिया, अगर वो थोड़ी जल्दी पीक करता तो यहाँ पे इसको इजी किल मिल जाता। अभी सीटी बदले पहले, अब मुझे लगा था पुश करेगा ही, मैं रेडी था ड्रॉप शॉट के लिए और मैंने उसको इजीली मार दिया। अब यहाँ पे बनी सेंग उसके पीछे होल्ड करता था, वहां से थंपर फेंक के मारा था, मैं यहाँ से स्पैरो फेंक के मार रहा था, स्पैरो नहीं क्रॉस बो, तो मैंने यहाँ पे प्री एम किया जैसे आएगा और जैसे आया बाइक गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट की लीड आ गई थी, लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं मान सकते, लेकिन जैसे इसने मेरे को पुश किया मैंने इसको फ्री फायर में मार दिया। अब इसके बाद शायद बनी सेंग अपने को मारेगा। अरे इधर क्या हुआ, इसने मेरे को लो कर दिया, तो मेरी जब वापस से हेल्थ बढ़ने लगी तो एक कान में भाई सांस भर देता है, दूसरा कैनेटिक आर्मर आ गया और गन लोड होने ली थी, तो मेरे को आवाज ही नहीं आया बिल्कुल भी। बाकी भाई मैं उधर ही रुकता, उसको इजीली मार सकता था। अब यहाँ पे आ गया टर्निंग पॉइंट, मतलब बेसिकली मैं ज्यादा ट्राई हार्ड नहीं कर रहा था, और इसके बाद जब टाई हो गया तो मेरे को लगा अब अबूते को ट्राई हार्ड करना पड़ेगा, तो मैंने ट्राई हार्ड किया, मतलब हाँ हार्ड हार्ड बहुत हार्ड बहुत हार्ड। अब जब मैंने यहाँ पे इसको मारने आया, मुझे पता लग गया कहाँ पे था, तो मैंने इसको लो कर दिया, फिर भी इसने फॉल बैक नहीं किया बल्कि वहीं पे खड़ा रहा। ये वाली जो फाइट थी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको फॉल बैक कर जाना चाहिए था और बाद में फाइट लेनी थी, क्योंकि अब मेरे पास लीड आ चुकी है और सिर्फ 30 सेकंड बचे, तो मैं पुश बिल्कुल नहीं करने वाला, और जब वो मेरे ऊपर पुश करेगा तो मैं उसको इजीली मार दूंगा। अब मैं कुछ नहीं कर रहा था, इधर अपनी आंखें बंद करके बैठा था और पूरा साउंड सेंस से मार रहा था। अरे मतलब जब उसके पैरों का साउंड आता था तब तो आंखें खोल लेता था मैं, और यहाँ पे मस्त मारा। अब उसको लग गया था जीतना है तो भाई अंधों की तरह पुश करना ही पड़ेगा,
बट मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इतना ओपन में पुश देगा मेरे को बस फ्री के किल्स दे देला था। और फाइनली यहाँ पे मैं जीत जाता हूँ सेमीफाइनल और इजिली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता हूँ। और फाइनल के अंदर क्या होता है, मतलब भाई स्किल के ऊपर नहीं पूरा गेम दिमाग के ऊपर जीता है पुरानी गड्ढी यानी कि कार एज ने। बहुत सारी चीज तुमको उस वाले वीडियो के अंदर मैं कर दूंगा एक्सप्लेन और फिर तुम लोग खुद बोलोगे भाई ये कैसा फाइनल था। लेकिन कुछ भी हो भाई बहुत कुछ नया सीखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। तो फाइनल का वीडियो देखना मत भूलना, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो या ये मौत देख के तो कर ही दो। तो बस मैं तुमको मिलता हूँ अपने अगली वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।